अबे इतना अंधेरा क्यों है? कोई है नहीं क्या घर में? मोंटी, बेजान दिल को तेरे इश्क ने जिंदा अबे क्या हुआ तुझे? और तू ऐसे पानी क्यों पी रहा है? ये बात नहीं कहेंगे। तू कौन है? मैं इनके फूफा का लड़का है, कल ही आया है अफगानिस्तान से। अबे तो तू ब्रिटिश एक्सेंट में क्यों बात कर रहा है? अबे चूतड़, अफगानिस्तान तो मैं घूमने गए थे, पढ़ाई तो मैंने न्यूजीलैंड से करी है ना, ऑक्सफोर्ड से। लंदन में है ऑक्सफोर्ड, और अफगानिस्तान कौन घूमने जाता है? छोड़ भाई, तू क्यों रो रहा है यार, कुछ तो बोल। भाई जब किस्मत गांडू हो ना, तो भावना नाम की लड़की भी भावनाओं से खेल जाती है। मतलब फिर से ब्रेकअप? मना किया था भैंचोद, मना किया था तुझे ये ऑनलाइन डेटिंग के रट्टे में मत फंस, लेकिन नहीं, चिल्ल मच रही थी। भाई सोशल मीडिया पे फेकनेस के अलावा और कुछ नहीं है, सब लोग अपनी बेस्ट से बेस्ट लाइफ ही दिखाएंगे तुम्हें, और उनको देख के भैंचोद हम डिमोटिवेट हो रहे हैं। यार इनकी लाइफ तो कितनी परफेक्ट है, साला एक हमारी ही लाइफ है जो झंड हो रखी है। और तो और, जो लड़कियां स्कूल असेंबली में धूप से भी होश हो जाती थी, वो भी साला अब इंस्टाग्राम पे सनकिस्ट वाले फोटो डालती है यूं कर करके, यूं यूं हद हो गई है। लेकिन हम इंडियंस में एक टैलेंट है, हम फोटोज के कमेंट पढ़ पढ़ के पता लगा लेते कि किसका चक्कर किसके साथ चल रहा है। तेरा एक्सेंट कैसे चेंज हो गया? अबे लोलू कोचिंग तो मैं यही इंडिया में पढ़ने आता था ना। भाई तू टेंशन मत ले यार, सब ठीक हो जाएगा। भैंचोद इन्हीं कारणों की वजह से मैंने तो आजकल इंस्टाग्राम ही खोलना बंद कर दिया है। भैंचोद अलग ही अतरंगी से चूतिया लड़के आ जाते हैं, हरे रंग का पैंट पहन लेंगे, नीले रंग का शर्ट पहन लेंगे, और सस्ता से एक DSLR हाथ में पकड़ के फोटो शूट कराते फिरेंगे, और नीचे लिखेंगे कैप्चर्ड बाय लालू, एडिट बाय कालू, सजेस्टेड बाय आलू, कैप्शन बाय भालू। भैंचोद क्या बकचोदी है ये? तो भाई और क्या करें यार, ये सोशल मीडिया ही तो एक लौता सहारा है, कोरोना जा नहीं रहा, लॉकडाउन बढ़ता जा रहा है। भाई तू अपना दिमाग ना पॉजिटिव एनर्जी में लगा, सुबह उठकर योगा किया कर। मेरे को नहीं करना। भाई सुबह जल्दी उठकर योगा करने में जो मजा है ना, वो मजा मुझे नहीं चाहिए, मैं तो लेट ही उठूंगा। हाँ तो फिर ऐसे ही चूतिया कटवाता रहना अपना जिंदगी भर। भाई यार वैसे ही परेशान हूँ यार, तू और ऐसे बात कर रहा है मेरे से। अच्छा ठीक है, ब्रेकअप क्यों हुआ? भाई वो और उसकी फैमिली ना आगरा घूमने जाने का प्लान कर रही है, तो मैंने कहा बेबी तुम मत जाओ। क्यों? उसने भी यही पूछा। क्यों? तो मैंने कहा कि मैं नहीं चाहता कि सब लोग ताजमहल छोड़ के तुम्हें देखें। क्या बात है, क्या बात है। फिर वो बोली मुझसे झूठ मत बोलना, मैं पकड़ लेती हूँ। मैंने कहा सही है फिर तो, मैं रोज झूठ बोलूंगा, तुम रोज पकड़ना। ऑफेंड हो गई यार। फिर क्या हुआ? फिर मैंने पूछा कि तुम्हें पॉटी ज्यादा पसंद है या मैं, तो कहती तुम। तो मैंने कहा जब तुम पॉटी के लिए चड्डी उतार सकती हो तो मेरे लिए क्यों नहीं। वीडियो एंड इफ यू गाइज लाइक द वीडियो देन यू नो वॉट टू डू, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और एक चीज जो मैं पर्सनली बोलूंगा करने के लिए वो कमेंट करो। अच्छा लगता है जब आपका काम लोग अप्रिशिएट करते हैं, आप मोटिवेट होते हो कि आप और अच्छा काम कर पाओ, सो कमेंट कर दो। एंड इफ यू गाइज वॉन्ट टू गेट इन टच विथ मी देन यू कैन फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम, ये मेरा इंस्टाग्राम है, यहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो। और बस बाकी अपना ख्याल रखो, सेफ रहो, घर में रहो, और टाइम पास के लिए मेरी वीडियो देखते रहो। मिलता हूँ बहुत ही जल्द न्यू वीडियो के साथ। बाय।